Hello student, today we are going to learn about plus two class geography chapter 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। मतलब हम प्लस टू क्लास की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है उसमें बात करेंगे विश्व की जनसंख्या के बारे में, उस जनसंख्या का वितरण क्या है, उसका घनत्व क्या है और उसकी वृद्धि के बारे में हम क्या करेंगे इस लेसन में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी ये बुक जो है किससे रिलेटेड है, मानव भूगोल से रिलेटेड है, तो मानव भूगोल से रिलेटेड हर एक टॉपिक का हम इसमें क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। अभी आप सभी को पता है कि जो मनुष्य है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है पृथ्वी पर, वो असमान है। मतलब एक रूप से वितरण उसका नहीं है, सम वितरण नहीं है। क्यों है ऐसा? आपने देखा होगा कि कई जगह पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कई जगह पे जनसंख्या बहुत कम है। मतलब जिस तरह से लोग बसे हुए हैं हमारी पृथ्वी पे या फैले हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, वितरण कहेंगे। जिस तरह से मनुष्य का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बसे हुए घन सघन है और कहीं पे उनकी जनसंख्या क्या है बहुत ज्यादा कम है किसी एरिया में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहेंगे। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में 90% जो जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पर क्या करती है, निवास करती है। मतलब 90% जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट भूभाग पे रह रही है, 10% भूभाग पे रह रही है। अगर आगे हम इसमें बात करें तो इसमें से भी जो 60% जो जनसंख्या है वो मोस्टली कहां पे है, एशिया में। एशिया जो उपमहाद्वीप है, एशिया उपमहाद्वीप, हमने किया था कि 7 महाद्वीप है, उसमें से एशिया उपमहाद्वीप है वो सघन बसा हुआ क्या है, क्षेत्र है। तो ये हमारा आ गया जनसंख्या वितरण। अभी जनसंख्या वितरण तो हमारा यहाँ तक ही है कि जनसंख्या किस तरह से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे भूभाग पर या हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसा है। अभी जनसंख्या के वितरण को कुछ कारक जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा घनत्व है उसका क्या मतलब है वो पढ़ेंगे हम। देखो घनत्व का मतलब क्या होता है कि कोई एरिया है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उसको हम किससे दर्शाते हैं, प्रतिशत से दर्शाते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। अभी घनत्व में हम क्या करते हैं, घनत्व हम कैसे निकालते हैं, जनसंख्या बटे में क्षेत्र। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, अपना घनत्व निकालते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा लेसन किसके बारे में है, जनसंख्या के बारे में। तो उसमें हम करेंगे कि उसका वितरण कैसे है, घनत्व कैसे, कौन से एरिया में कितना घनत्व है और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या किस एरिया में बढ़ रही है या किस एरिया में कम हो रही है, तो वो किस में आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि में आ जाता है। तो घनत्व में हमने बात की है कि जो घनत्व है उसमें हमारा क्या आ जाता है कि जनसंख्या और बटे में क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम किसी भी देश का क्या निकाल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। अभी हमने किया है कि 90% जो लोग है वो 10% भूभाग पर बसे हुए है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। 60% लोग जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में बसे हुए हैं, एशिया महाद्वीप में बसे हुए हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, किसे, हमारी जनसंख्या को, जिसके कारण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसके बारे में हम करेंगे। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, अभी जनसंख्या को प्रभावित कर, बहुत सारे ऐसे कारक है जो हमारी
प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक मतलब हमारी भूमि, भू आकृति कैसी है, हमारी भूमि का प्रकार कैसा है। तो अगर हम भू आकृति की बात करें तो मोस्टली हम इसमें तीन ही चीजें पढ़ते हैं, ज्यादातर माउंटेनियस रीजन होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, प्लेट्यू रीजन होता है, पठारी भाग होता है और मैदानी भाग होता है। तो ये हमारी भू आकृति के तीन इंपॉर्टेंट क्या है, उसके स्वरूप है, उसके रूप है। तो जनसंख्या को कौन कौन सी चीजें भौगोलिक स्वरूप में आ जाता है कि उसका जो भौगोलिक जो चीजें है वो किस तरह से हमारी जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है जल की उपलब्धता, क्योंकि आप सभी को पता है जो जल है वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जल हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल की उपलब्धता, ठीक है। अभी जल की उपलब्धता में मतलब जहां पे जल ज्यादा है, ठीक है ना, जहां पे पानी की उपलब्धता होगी लोग वहीं पे रहना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। अभी देखो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, एक प्लेन एरिया है, अभी यहां से हम समझेंगे कि जो रेगिस्तान एरिया है वहां पे पानी की क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, मतलब वहां पे जल उपलब्धता क्या है, बहुत ज्यादा कम है। एक मैदानी भाग है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैदानी भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। मोस्टली ये जो है नदियों के आसपास पाया जाता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी के कारण जो है मैदानी भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमने तो डेजर्ट एरिया है, जो रेगिस्तानी भाग है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां पे लोगों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पे जल उपलब्धता क्या है, बहुत ज्यादा कम है। नदी के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता क्या है, बहुत ज्यादा है। जितनी भी नदी घाटी के आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता बहुत है। देखो जल की उपलब्धता सिर्फ मनुष्य के लिए ही हमें कंज्यूम नहीं करते, जल हमें और भी कामों के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारे उद्योगों के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल जो है वो हमारा एक अभिन्न संसाधन है, हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वरूप है, संसाधन है। जल के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इसको हम बहुत सारी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन गतिविधियों को चलाने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी, और जल की उपलब्धता जहां होगी, जहां पे भी हमें जल पाया जाता है, पानी मिलेगा, तो वहीं पे लोगों की जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि रेगिस्तानी भाग है, या फिर हमारे पोलार रीजन देख लो, पोल के आसपास का जो क्षेत्र है जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहां पे लोगों की जनसंख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये हमारा पहला कारक हो गया जल की उपलब्धता। अभी हम इसमें दूसरा अगर भौगोलिक का हम कारक देखें तो वो है भू आकृति, मतलब भूमि की आकृति, भू आकृति, ठीक है। अभी एक तो है ऊबड़ खाबड़ भूमि है, अनडेवलपिंग लैंड है, या फिर एक पर्वतीय इलाका है, ठीक है, एक पठारी भाग है, और एक क्या है, मैदानी इलाका है। अभी ये हमारी जो भू आकृति है, अभी जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे लोगों का आवास बनाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। वहां पे रहना, भूमि को समतल करना या कृषि क्षेत्र के लिए भूमि को यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, यातायात जो है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बनाना या इंडस्ट्री सेटअप करना वो इतना कठिन है कि यहाँ पे इसी के कारण यहाँ की जनसंख्या क्या है बहुत कम पाई जाती है। इसी तरह से पठारी क्षेत्र में भी जनसंख्या कम मिलती है, बट मैदानी भाग में, क्योंकि मैदानी भाग जो होता है वो एक समतल स्वरूप होता है भू आकृति का, और इस एरिया पे हम घर भी अच्छे से बना सकते हैं, कृषि के लिए भी हम इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो मैदानी भाग होती है वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पे उद्योग स्थापित करना बहुत आसान होता है, वहाँ पे यातायात के साधन जो है उनका निर्माण करना, रोड्स बनाना, सड़कें वगैरह बनाना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए लोग जो है मैदान पर्वतीय क्षेत्र की बजाय जो हमारा मैदानी भाग है वो ज्यादा क्या होता है, पॉपुलेटेड होता है, वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारा हो गया दूसरा कारण कि भू आकृति भी हमारी जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ज्यादा ऊंचाई पे भी हम नहीं रह सकते, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है रहना, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है, और मैदानी भाग जो है वहां पे जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर हम तीसरी यहाँ पे एक बात करें तो वो आ जाती है हमारी जलवायु। जलवायु, अभी जलवायु में आ जाता है, देखो कहीं पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत इतनी अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जैसे कि हमारे पोल्स है, ठीक है, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड के कारण वहां पे जनसंख्या न के बराबर है, क्योंकि वहां पे 6-6 किलोमीटर की तो बर्फ की शीट्स पाई जाती है, मतलब इतनी बर्फ वहां पे क्या है जमीन पे चढ़ी हुई है, तो जिसके कारण वहां पे रहना क्या है बहुत ऐसा नहीं, या फिर जहां पे बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जैसे कि हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं, तो वहां पे गर्मी जो है वो भी क्या है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण भी वो हमारे लिए क्या हो जाती है, असहनीय हो जाती है, जिसके कारण वहां की जनसंख्या क्या है बहुत कम है। मतलब जहां पे अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहां पे जनसंख्या हमें क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। जहां पे जलवायु सम जलवायु है, मतलब जलवायु हम जिसको क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ऐसे एरिया में जनसंख्या का जो वितरण होगा वो क्या होगा, सघन होगा, मतलब वहां पे रहने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो ये हमारा आ गया जलवायु। जलवायु भी हमारी जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगर हम चौथे की फोर्थ बात करें तो वो हमारी आ जाती है मृदाएं। अभी मृदाएं में आ जाती है हमारी मिट्टी के प्रकार, जैसे कि काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, और जो पर्वतीय मिट्टी है या फिर रेगिस्तान की जो मिट्टी है, तो मिट्टी के प्रकार, मतलब जहां पे मृदा जो है उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा होगी, तो लोगों की जनसंख्या वहां पे ही ज्यादा होगी। जैसे हमारा जो जलोढ़ मिट्टी है या एलुवियल सॉइल का जो एरिया है वहां पे जनसंख्या का वितरण क्या मिलता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ है, तो उपजाऊ जमीन के कारण लोगों का मतलब वहां पे वितरण जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, वहां पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। अभी जो पर्वतीय मिट्टी है या जो हमारी रेतीली मिट्टी है, तो वहां पे हम अच्छे से कृषि भी नहीं कर सकते, तो वहां पे उत्पादन क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण ऐसे एरिया में वहां की जनसंख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये थे हमारे कुछ भौगोलिक कारक जो हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता जहाँ पे ज्यादा होगी वही पे जनसंख्या ज्यादा होगी। भू आकृति है, मैदानी भागों में लोगों की जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जलवायु है, सम जलवायु जहाँ पे होगा वही पे जनसंख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। एक्सट्रीम जो है अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में लोग नहीं रह सकते। मृदाएं जहाँ पे उपजाऊ मृदा होती है, जिसके कारण वहां पे कृषि करना बहुत आसान हो जाता है, तो वहां पे भी जनसंख्या का वितरण क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमारे हो गए भौगोलिक
कारक दूसरे हमारे आ जाते हैं इस हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक में, आर्थिक कारक। अभी हम बात करेंगे हमारे आर्थिक कारक की। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। अभी आर्थिक कारक में हमारे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा है खनिज, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे खनिज जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि वहां पे खनन गतिविधियों के लिए वहां पे लोगों का जो प्रवास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब वहां पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खनिज से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, तो वहां पे काम करने के लिए स्किल्ड और अस्किल्ड जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसी के कारण वहां पे लोगों की जनसंख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो खनन क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पे आके बस जाते हैं। तो ये हमारा कुछ आर्थिक कारक है जिसके कारण भी जनसंख्या क्या हो जाती है, वहां पे बढ़ जाती है। दूसरा कारण हमारा आ जाता है नगरीकरण। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब जैसे जैसे नगरों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी आपको पता ही है जो नगर होते हैं, शहर होते हैं या जो सिटीज होती है, वहां पे इनके कारण जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के कारण भी वहां की जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि शहरों में जॉब पॉसिबिलिटीज मिल जाती है लोगों को, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज लोगों को मिल जाती है, हर एक क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं वहां पे मिल जाती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें या और भी काम करने के लिए देखें तो वहां पे जो जॉब है, रोजगार है, उसके अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। इसके कारण, नगरीकरण के कारण भी जनसंख्या वहां पे क्या होती है, नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहां पे जितने ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उद्योगों के आसपास का जो एरिया होता है ऑटोमेटिकली वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि उद्योगों में क्या है, केवल श्रमिक ही नहीं आएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी बढ़ जाती है, बैंकिंग वगैरह है, मार्केट वगैरह है आसपास के, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। औद्योगिकरण के कारण भी हमारी जो विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, औद्योगिकरण उसको प्रभावित करता है। औद्योग जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं तो वहां पे जनसंख्या क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि जापान का हम ओसाका जो शहर है उसकी बात करेंगे, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, या मुंबई जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, तो वहां पे जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये थे हमारे कुछ आर्थिक कारक जिनके जो हमारे जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी इसके बाद हम करेंगे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे कारक हैं जो हमारे जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, अभी तीसरा हमारा आ जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। मतलब ऐसे कुछ आपने देखा होगा जो धार्मिक शहर होते हैं, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो इन धार्मिक शहरों में ठीक है जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के ऊपर डिपेंड है। और कई बार
ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि वो क्या है, धार्मिक शहर है, इसके कारण भी वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, ये भी हमारे जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनके कारण भी जो इनसे रिलेटेड जो एरियाज होते हैं, सांस्कृतिक एरियाज, धार्मिक एरियाज होते हैं, मतलब धार्मिक शहर होते हैं, तो वहां पे जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अभी देखो जो धार्मिक शहर है, अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पे मंदिरों में लोगों का आना जाना बना रहता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं वहां पे उन लोगों की नीड्स को कैटर करने के लिए, सेवाएं देने के लिए वहां पे जाके बस जाते हैं धार्मिक शहर के यहाँ पे, ताकि वहां पे जो भी पर्यटन के लिए आ रहे या तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे तो वो क्या करे, अपनी सेवा देकर अपना जो रोजगार है वहां पे प्राप्त कर सके। तो और कई एरिया पे, अगर कहीं कुछ एरिया ऐसा है जो राजनीतिक या सामाजिक कारणों के कारण वहां पे अशांति बनी रहती है, तो लोग वहां से क्या हो जाते हैं, दूसरे एरिया में जाकर बसना स्टार्ट कर देते। तो ये थे हमारे सामाजिक एवं आर्थिक कारक। तो हमने कर लिए भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हमने किया है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा, जो हमारी जनसंख्या वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। आर्थिक कारक में हमने किया है खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, जिसके कारण हमारी जनसंख्या का वितरण जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिर हमने किया है हमारा जो सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक, इसके कारण भी जनसंख्या का वितरण जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अभी ये तो हो गया हमारा जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमने जनसंख्या घनत्व भी कर लिया है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जिसमें रहने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है, मतलब जनसंख्या को जब हम क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस एरिया का घनत्व आ जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे।